माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 28 नवंबर 2023 के फैसले के अनुसार NIOS DLED फ्रेश रिक्रूटमेंट में एज ए कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। इन सबके बाद से NIOS DLED का मामला पूरे देश भर में लगभग 15 लाख अभ्यर्थी बताए जाते हैं वह नई फ्रेश रिक्रूटमेंट से शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। इन सबके बाद से NIOS DLED को लेकर के काफ़ी हलचल हुई। बहुत अभ्यर्थियों ने अपने अपने ज़िले में अपने अपने राज्यों में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ज्ञापन देकर के सरकार से इसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में बातें चली थी कि इसके संबंध में NCT ने कोई गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला जो रिकॉग्निशन लेटर था उसके अगेंस्ट में, इन सभी बातों को लेकर के एक NCT के माध्यम से राजनीतिक दबाव बना करके कि गजट नोटिफिकेशन उस 22 सितंबर 2017 के रिकॉग्निशन लेटर के बेस पर निकाला जाए। इन सब के साथ ही साथ कोर्ट का भी रुख अभ्यर्थियों ने अपनाया है जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और अभी NIOS DLED की वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में भी डिटेल्स के साथ चर्चा होगी, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज नंदन सिंह बोहरा जी की याचिका पर दिया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है। अगर आप फाइलिंग डेट देखेंगे तो 31 जनवरी 2024 यानी कल की डेट में, ध्यान से समझिए, कल की डेट में ये केस फाइल किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। आप देख सकते हैं जिसके पिटिशनर हैं श्री नंदन सिंह बोहरा और रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पर देख सकते हैं केस नंबर में ये केस रिव्यू पिटीशन है। रिव्यू पिटीशन क्या होता है, जब कोई भी कोर्ट डिसीजन दे देती है और अगर पिटिशनर को ये लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुआ या फिर इस डिसीजन में ये कुछ कमी है जिसे कोर्ट फिर से समीक्षा करे तो रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया 28 नवंबर 2023 को उसी के अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है श्री नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा। अगर आप रिस्पोंडेंट में देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं, वो है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ पर अर्लियर कोर्ट डिटेल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपके सामने खुल करके आएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था केस नंबर 7873 ऑफ 2023 वाले मैटर में 28 नवंबर 2023 को, उसी का यहाँ पर जिक्र है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जजमेंट चैलेंज, तो यस लिखा गया, यानी कि उसी जजमेंट को चैलेंज करते हुए ये रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है और जजमेंट टाइप देख सकते हैं फाइनल जजमेंट ये था। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब लास्ट हियरिंग के बाद से फैसले को रिजर्व किया गया था तो दो चीज़ों पर महत्वपूर्ण तौर पर बात हुई। पहला कि ये कोर्स 18 महीने का है और NCT के 23 अगस्त 2010 के लेटर के हिसाब से 2 वर्षीय मिनिमम कोर्स होना चाहिए DLED का, जो कि रेगुलर DLED कोर्स होता है। और इनका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने का कोर्स बता करके इनको प्राथमिक से बाहर कर दिया था। दूसरा जो रीज़न बताया गया था वो ये था कि जब रिकॉग्निशन लेटर जारी होता है सितंबर 2017 में तो ये ऐसे कैंडिडेट के लिए था जो कि ऑलरेडी सिस्टम में थे और उनकी नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि ये चूंकि अनट्रेंड थे, इसमें कुछ बीएड कैंडिडेट भी थे जिनको 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स कराया गया और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ना तो बीएड थे और कोई भी उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी। तो जब हमारे देश में RT एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है तब ये NCT को जिम्मेदारी दी जाती है कि जितने भी पहले से चयनित शिक्षक हैं उनको भी ट्रेनिंग कंप्लीट करानी है और उसके लिए एक कोर्स डिजाइन किया जाए जिसे NIOS DLED के नाम से जाना जाता था, जो कि कोर्स था 24 महीने का, लेकिन इसे 18 महीने में कंडक्ट कराया गया इस वजह से क्योंकि जो 6 महीने का आपका इंटर्नशिप होता है रेगुलर DLED कोर्स में वो इंटर्नशिप चूंकि ये सालों से पढ़ा रहे थे इन सर्विस थे, इस वजह से वो इंटर्नशिप को स्किप कर दिया गया और ये माना गया कि जो 24 माह का कोर्स है वो 18 महीने में कंक्लूड किया जाएगा। यानी कि ये कोर्स है 24 महीने का ही लेकिन 18 महीने में इसे कंप्लीट किया गया। अब यहाँ पर ये बातें सुप्रीम कोर्ट में जो NIOS DLED की तरफ से एडवोकेट थे वो कोर्ट को सही से समझा नहीं पाए कि आखिर ये हुआ कैसे, 18 महीने का कोर्स क्यों हुआ, तो इस वजह से ये चीजें देखने को मिली। अब यहां पर
आप देखेंगे कि कुछ नई चीज़ों को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। अब नई चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे देखिए इन बातों पर कंसीडर नहीं किया गया कि चलिए ठीक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि ये जो कोर्स था NIUSDLED वो इन सर्विस टीचर्स के लिए था, उनकी नौकरी बचाने के लिए। मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहा था और अब वो नौकरी करते हुए NIUSDLED में एडमिशन ले लिया, चूंकि इसमें एडमिशन या फिर इनरोलमेंट उन्हीं अभ्यर्थियों को मिल सकता था जो कि पहले से किसी ना किसी प्राइवेट या फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं। तो यहां पर चूंकि मान लीजिए किसी प्राइवेट स्कूल में वो कैंडिडेट पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, अब उन्होंने NIUSDLED जो कि केंद्र सरकार के MHRD मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद से NIUS को जिम्मेदारी दी गई NCET के रिकॉग्निशन के बाद से कि ये NIUSDLED का कोर्स कंडक्ट कर सकती है। अब उस कैंडिडेट ने मान लीजिए NIUSDLED का कोर्स कर लिया और वो स्कूल मान लीजिए 2-3 साल बाद जाकर के बंद हो गया, तो ये कोर्स सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो कैंडिडेट थे जो अनट्रेंड टीचर थे उनकी नौकरी बचाने के लिए थी। तो कहाँ उसकी नौकरी बची, मान लीजिए वो स्कूल बंद हो गया तब तो उसकी नौकरी ही नहीं बची। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं हो सकते, तो किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में भी जाने के लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे, तो उस हिसाब से उनके सामने आजीविका का साधन जुटाने जैसे समस्याएं आएंगी। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार के तहत, चूंकि देखिए बीएड वाला जो फैसला था उससे आप इसको नहीं जोड़ सकते, बीएड वालों की जो एलिजिबिलिटी थी जो कि प्राथमिक में बंद की गई है, ख़त्म की गई है, वो एडिशनल एलिजिबिलिटी थी। इसके अलावा वो अपर प्राइमरी TGT PGT में जाने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। लेकिन NIUSDLED का जो मैटर है वो बीएड से बिल्कुल अलग है। NIUSDLED की फ्रेश रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी ही ख़त्म कर दी गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद NIUSDLED किए होंगे तो वो अपर प्राइमरी की एलिजिबिलिटी तो रखते थे, लेकिन अब वो अपर प्राइमरी में भी नहीं जा सकते, प्राइमरी में भी नहीं जा सकते, कहने का मतलब कि उनकी डिग्री ही खत्म हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे संविधान का मौलिक अधिकार का नियम लागू होता है कि मौलिक अधिकार या फिर अपनी जीवन जीने का अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में या फिर पर्टिकुलर किसी एक स्टेज के टीचर के लिए ख़त्म नहीं की गई है, बल्कि इनकी डिग्री जो है वो ही फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए इनवैलिड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनकी जो डिग्री है, इनका जो सर्टिफिकेट है, वो सिर्फ नौकरी बचाने के लिए था और इन सर्विस रहते हुए जिन्होंने भी नौकरी बचा ली उन पर ये अप्लाई हो गया। अब ये वन टाइम था, अब इसके बाद से फ्रेश रिक्रूटमेंट में ये शामिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर यहीं आप देखेंगे कि मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में कोई बंदा पढ़ा रहा है, वो प्राइवेट स्कूल बंद हो गया, तो अब तो वो दूसरे किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जा सकता क्योंकि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में आ जाएगा। तो इस हिसाब से इनके पास आजीविका का साधन जुटाने जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट स्कूल का आप सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत कम होता है, बहुत बहुत केसेस में 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार पर कैंडिडेट काम करते हैं। अगर उनको सैलरी हाई चाहिए तो जाहिर सी बात है उनको नौकरी बदलनी पड़ेगी, और नौकरी बदलने का मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट में वो जा ही नहीं सकते। तो एक तो बंदा NIUSDLED जो किया हुआ है, जो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, वो तो बंधुआ मजदूर बन जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के ये रिव्यू पिटिशन फाइल की गई है जो कि कल की डेट में फाइल किया गया है और इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ये मैटर जो है वो उसी बेंच में लिस्ट होगा जो कि 28 नवंबर 2023 को जजमेंट दिए थे, उन्हीं के बेंच में ये मैटर लिस्ट होगा और उन्हीं ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा फिर से इस बात को लेकर के समीक्षा की जाएगी कि क्या डिसीजन में कोई कमी है, क्या डिसीजन को फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसके बाद ही NIUSDLED की एलिजिबिलिटी फिर से तय हो सकती है। पहले सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या ये मैटर सुनने लायक है अथवा नहीं। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।